ये आपने देखे इस लड़की के करतूत? मुझे पहले पता था ये कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। तुम चुप रहो, मैं सरदार से बात कर रहा हूं। बोलो क्यों मिलने आए थे नूर से? दादाजान मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो ज़ावियर? होश में तो हो? तुम्हारी मंगनी बुशरा से तय हो चुकी है। बाबा जान देख रहे हैं आप? देख रहे हैं लड़का क्या कह रहा है? दादाजान ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मुझसे, प्लीज। सलमा जी आगे तुम कहाँ थे? मैं कहीं नहीं था, यहीं था। आप सो रही थी ना? मैं सोचा आपकी नींद खराब ना करूं तो इसलिए बाहर ही था। अरे ये आपको तो अभी तक बुखार है। ये इस मौसमी बुखार ना जाने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे करते हैं डॉक्टर को जाके दिखाते हैं। कोई जरूरत नहीं, दवाई खाइए ना, भी ठीक हो जाऊंगी मैं। मैं जानता हूं ये कोई मौसमी बुखार नहीं है, ये वो गम है जो आपने अपने दिल पर लगा लिए। सलमा जी वो वहां बहुत ही खुश होंगी। आपको याद है ना कि अपने अब्बू को याद करके वो कितना उदास रहती थी, याद है ना? बस आप ना ऐसे ही मुस्कुराती रह कर, अगर नूर जी को पता चल गया ना कि आप रोती रहती हैं तो मेरी जान ले लेगी। अच्छा ठीक है, जाओ अपने उस बाप के पास जिसे तुम्हें पैदा करके फेंक दिया है। रुको, ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। आपने सुना नहीं, बाबा जान ने कहा है ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। यही रहेगी, ये इसी घर में, क्योंकि इस घर पर इसका उतना ही हक है जितना बुशरा का। वली खान क्या कहना चाह रहे हो? बाबा जान मैंने आपसे एक बहुत बड़ा राज छुपाया है, मगर अब मैं ये सच्चाई मजीद नहीं छुपाऊंगा। ये लड़की नूरजहान इस घर की इज्जत है, खून है मेरा, ये मेरी बेटी है। मुराद क्या? वो अम्मी जान बहुत परेशान है। क्या वो ज़ावियर अभी तक घर नहीं आया? आ जाएगा, किसी दोस्त में उसकी तरफ रुक गया होगा। वो इतनी देर तक कभी घर से बाहर नहीं रहता। तंज कर रही है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप प्लीज जरा उसे फोन कर ले। तो तुम कर लो ना फोन, वैसे तो सारा दिन बातें करती हो, उसे फोन कर लो। ये कैसी बातें कर रहे हैं मुराद आप? ज़ावियर मेरे भाइयों की भाइयों की तरह है, भाई तो नहीं है ना? तो जाओ कर लूंगा फोन, शादी बन जाती हर बात पे। पता है आपको कह क्या रहे हैं आप? हाँ पता है मुझे, पहली बार सच कह रहा हूं। अगर तुम कहां यकीन करोगी? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकते हैं आप? वली खान तुम इस लड़की से जो
प्लीज। बीबी जी आपका फोन है। किसका फोन है? पता नहीं बीबी जी। हेलो, क्या हाल है जाने मन? अरे खामोश क्यों हो गई? नहीं पहचाना? मुराद अली खान, मैं आशिक बात कर रहा हूँ। हेलो, अब किधर जाओगी बस के? कैसे आना? हमने सुना है कि आपने अपनी तवाइफ बहू की बेटी को अपने घर की इज्जत बनाने का फैसला कर लिया। क्या फजूल बातें कर रही हो? अरे आपको वली खान ने बताया नहीं? चले हम आपको बताए देते हैं। आपको सलमा जहां तो याद होगी ना, हमारी बहन नूर सलमा जहां की बेटी है। ये कैसे हो सकता है? वली खान की औलाद तो पैदा होने से पहले ही मर गई थी, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ। इस काम के पैसे दिए थे मैंने तुमको, याद है? याद है, याद है, सब याद है, लेकिन क्या करते, सलमा जहां ने हमारी बात ही नहीं मानी। मगर देख ले, हम अपने वादे से नहीं मुकरे। सलमा जहां को आपकी बेटी की जिंदगी से तो निकाल दिया ना। अब क्या चाहते हो? मतलब उस लड़की को अपने साथ वापस ले जाने की क्या कीमत लोगी? वाह बाबा जान वाह। कीमत? क्या कीमत देंगे आप? मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरी अना, इन सब चीजों की कीमत तो आप दे चुके हैं। अब एक बाप की अपनी बेटी से मोहब्बत की भी कीमत दे गया? खान, मैं पूछता हूं, मेरा कसूर क्या था? मेरा या मेरी बेटी का कसूर क्या था? खून है मेरा वो, इस घर की इज्जत है वो। उस वक्त आपकी इज्जत पर दाग नहीं लगेगा बाबा जान, जब इस घर की इज्जत उस कोठे पर मौजूद लोगों की नजरों का मरकज बनेगी, वहां पे मौजूद तमाशाई। बस वली खान, बस, क्यों हो जाओ? चिल्ला मैं भी सकता हूं बाबा जान, मगर चिल्लाने से हकीकत नहीं बदल जाती। मैं जिस एजाब में मुबतला हूं, जिस एहसास जुर्म में मुबतला हूं मैं, उसके जिम्मेदार आप है। आप याद रखिएगा, अगर इस बार आपने मेरी बेटी को इस घर से निकाला तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। पर हां, यह खुदकुशी नहीं होगी, कत्ल होगा। एक बाप के हाथों अपने बेटे का कत्ल। ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। वैसे सुल्तान खान, जब भी आपको हमारी जरूरत होगी हम हाजिर हो जाएंगे। मैं वो शर्त से शादी नहीं कर सकता। मेरी मोहब्बत सिर्फ नूर है और उसके बारे में नहीं रह सकता। कोई ये बात क्यों नहीं समझ रहा कि मैं उषा के साथ खुश नहीं रह सकता? और नूर भी तो मुझसे उम्मीद लगाए बैठी है, क्या मैं उसे बीच में हार के छोड़ दूं? नहीं, मुझे दादाजान से बात करना होगी। आगे चाहे वो मुझे जो भी सजा दे, लेकिन वो हम दोनों के साथ ही ना इंसाफी नहीं कर सकते।
हमारी खुशियों में हमें देना होगी। मुझे अभी दादा जान से बात करनी होगी। तुम्हें बुशरा के साथ ही शादी करना होगी। चचियन, मैं बुशरा को खुश नहीं रख सकूंगा। ये बहाने किसी और को सुनाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता, तुम क्यों गुजरा हुआ वक्त दोहराना चाहती हो? तुम क्यों चाहती हो कि सावियार और बुशरा वैसे ही जिंदगी गुजारे जैसे तुमने और मैंने गुजारी, एक समझौता करके? बाबा जान, सुना आपने वली और जावियार क्या कह रहे हैं? बुशरा और जावियार का रिश्ता आपने खुद तय किया था ना? बता देने, और आपके फैसले को इनकार करने की किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ये फैसला तो मैंने ही किया था बुशरा और जावियार की शादी का, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैं चाहता हूँ जी के जावियार और नूर की शादी कर दी जाए। क्या कह रहे हैं? मैं जो कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, इसलिए कि जो शादियाँ जबरदस्ती होती हैं वो ज्यादा देर पर नहीं होती है। आप कैसे कह सकते हैं बाबा जान? आप तो खुद नूर के इतने खिलाफ थे, ये अचानक। ठीक है, आप भी तो अपने बेटे का ही साथ देंगे ना? अकेला छोड़ दिया ना मुझे और मेरी बेटी को? रिश्ते तभी कायम रहते हैं जब दिल में उनकी जगह हो। हो आई आप वली खान के घर से? वली खान से क्या बात होगी, हम तो उससे भी बड़ा शेर मार आए हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी वहाँ मुलाकात वली खान के बाप से हुई, सुल्तान खान। हमें वहाँ देखकर हैरान रह गया। अब ये सुल्तान खान कहाँ से बीच में आ गए? ये वही सुल्तान खान है ना जिसके कहने पर हमने वली खान से झूठ बोला था कि सलमा ने अपना बच्चा पैदा होने से पहले ही मार डाला। इसी झूठ की वजह से तो सलमा और वली के रिश्ते में दरार पड़ी थी। ओह, तो तभी वली खान ने कभी पलट के सलमा जहां का हाल नहीं पूछा? और नहीं तो क्या, वरना वो तो सलमा जहां के इश्क में दीवाना हो रहा था। लेकिन खैर, हमारे इस झूठ की वजह से सुल्तान खान को उसका बेटा वापस मिल गया। आपने सलमा जहां को कुछ बताया? हम क्यों बताएंगे उसे कुछ भी? रो-रो का दिमाग खा लेगी हमारा। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं मुझे, सब सुन चुकी हूं मैं। मेरी गलती थी, मैं ही पागल थी जो तुम पर एतबार कर बैठी, और ये भूल गई कि तुम मेरी बहन नहीं, एक नागिन। और नागिन, नागिन तो अपने बच्चों को भी खा जाती है। नूर तो मेरी बेटी है, तुम उस पर तरस क्यों खाओगी? सलमा जहां, बस सितारा जहां, बस। नूर की माँ अभी जिंदा है। जो तुमने खेल खेलने थे ना, बस बहुत खेल चुकी। अब और नहीं, अब तुम्हारे हर वार का जवाब नूर की माँ देगी। सितारा जहां नूर की माँ देगी, ये सलमा जहां, समझी तुम? यहां क्या कर रही हो? आप यहां पर क्यों आए? चले जाएं यहां से। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं और तुम क्या कह रही हो? उदास क्यों है इतने? जावे यार अपनी होने वाली बीवी से बहुत मोहब्बत करता है।
ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा। तुम्हें पता है दादा जान ने मेरी और तुम्हारी बात पक्की कर दी और बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। अच्छा, लगता है आपने दिन में भी ख्वाब देखना शुरू कर दी। सच है, ड्रामा क्वीन, ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। बहुत जल्द हम दोनों एक दूसरे के होने वाले हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। तुम्हें ना रोने का बहाना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए नूर। लेकिन जावेद, दादा जान मान कैसे गए? वो ना तरसा के, दादा जान को मुझ पर तरसा गया था, तो मेरे हक में फैसला दे दी। अच्छा छोड़े ना, कोई देख लेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। अस्सलामुअलैकुम लौला। वालेकुम सलाम। कहाँ थे सारा दिन? वो मैं दादा जान से मिलने गया हुआ था। कल इतना कुछ हो गया वहाँ पे और तुम फिर भी वहाँ पहुँच गए? लाला, अब जो बात मैं आपको बताऊँगा ना, वो सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। क्या हो गया सर? आपको पता है दादा जान मेरे और नूर के रिश्ते पे मान गए हैं और बहुत जल्द हमारी शादी भी करना चाहते हैं। लाला, खुशी नहीं हुई आपको? नहीं, हुई है खुशी, बहुत खुशी हुई है। लेकिन दादा जान माने कैसे? पता नहीं लाला, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया ना। खुश है ना आप? हाँ, मेरा भाई खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अल्लाह मुबारक करे। हाँ, मेरा अम्मी जान और भाभी जान को बता दूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ हाँ, बताओ, शाबाश, खुशी की बात है, बहुत बहुत खुशी की बात है। आप यहाँ बैठ के पान खाइएगा और वहाँ क्या कुछ नहीं होगी, आपको उससे कोई गर्ज नहीं है क्या? आखिर ऐसा क्या हो गया यहाँ जिसकी सितारा जहाँ को खबर नहीं? आपकी उस नूर का रिश्ता तय हो गया है। जावियार,